नमस्कार। हिमाचल अभी अभी .com से मैं दिव्या, पेश है आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में 10 सितंबर से खुलेंगे मंदिर, SOP जारी करेगा विभाग। गरीबी रेखा से ऊपर के आयकरदाता APL उपभोक्ताओं को गेहूं का आटा और चावल प्रदान करने का निर्णय। नगर परिषद पालमपुर के प्रस्ताव को मंजूरी, कुछ पद भी भरे जाएंगे। 5 सितंबर से प्रदेश में 3 रूटों पर चलेंगी रात्रि बसें। हिमाचल में अब तक कोरोना के 90 मामले, 40 हुए ठीक, एक्टिव केस 1757। लोक सेवा आयोग ने विभिन्न पदों के कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट का शेड्यूल जारी किया। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रशासनिक कारणों के चलते स्थगित की DEIED CET स्पोर्ट्स कैटेगरी की काउंसलिंग। कालका शिक्षा ट्रैक पर दौड़ेगी एग्जाम स्पेशल ट्रेन, रेलवे ने किया फैसला। बंगाणा में जमीनी विवाद को लेकर 2 परिवारों में चले हथियार, 2 घायल। पंजाब से हिमाचल आ रहे कार चालक के पास मिले सोने के आभूषण, नहीं थे पक्के बिल। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक CM जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में मंदिर खोलने को लेकर फैसला लिया गया है। SOP जारी कर 10 सितंबर से मंदिर खोले जाएंगे। मंदिर खोलने से पहले SOP की मापदंडों को सुनिश्चितता जरूरी होगी। बता दें कि 23 मार्च के बाद से मंदिर बंद हैं। लॉकडाउन के बाद अनलॉक 4 भी शुरू हो गया है, लेकिन हिमाचल में मंदिरों को नहीं खोला गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते ऐसा किया गया है। अब मंदिरों को खोलने का निर्णय सरकार ने लिया है। मंदिर खोलने के लिए नियम, शर्तें व गाइडलाइन क्या होंगी, ये SOP जारी होने के बाद ही पता चलेगा। मंदिर हिमाचल के लोगों के लिए ही खोले जाएंगे या बाहरी राज्यों से लोग भी आ सकेंगे, इसके बारे में स्थिति SOP जारी होने पर स्पष्ट होगी। बैठक में 15 सितंबर तक राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए पंजीकरण जारी रखने का निर्णय लिया। क्वारंटाइन समय को 14 दिन से घटाकर 10 दिन करने का निर्णय लिया गया है। जिला प्रशासन क्षेत्र में मास्क और सामाजिक दूरी के नियम को सख्ती से लागू करेगा। हिमाचल कैबिनेट ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबी रेखा से ऊपर के आयकरदाता APL उपभोक्ताओं को गेहूं का आटा और चावल प्रदान करने का निर्णय लिया, जैसा कि उन्हें पहले APL दरों पर प्रदान किया जा रहा था। साथ ही वास्तविक दरों पर दाल, खाद्य तेल, नमक और चीनी प्रदान किया जाएगा। शहरी प्रवासियों, गरीबों के लिए कम किराए के आवास, समाधानों के लिए एक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र बनाकर और हाउसिंग फॉर ऑल के समग्र उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की दूरदर्शिता को संबोधित करने के लिए मंत्रिमंडल ने आवास और शहरी मंत्रालय से सस्ती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स योजना से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए अनुरोध करने का फैसला लिया। जिला कांगड़ा की नगर परिषद पालमपुर का दायरा बढ़ेगा। DC कांगड़ा द्वारा भेजे प्रस्ताव को हिमाचल कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। पालमपुर नगर परिषद में कुछ क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा। चिड़गांव व कंडाघाट को नगर पंचायत बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। वहीं नगर परिषद नीरचौक, नगर पंचायत करसोग व ज्वाली से कुछ क्षेत्रों को बाहर करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि पिछली कांग्रेस सरकार के समय नीरचौक में कुछ क्षेत्रों को बिना लोगों की सहमति से जबरदस्ती मिला दिया गया था, उन्हें बाहर करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने नगरोटा बगवा में सब ट्रेजरी खोलने को मंजूरी दी है। इसमें 5 पद विभिन्न श्रेणियों के भरे जाएंगे। मंडी जिला की थुनाग तहसील के तहत बगा चनोगी में सब तहसील खोले को मंजूरी मिली है। 12 पद विभिन्न श्रेणियों के भरे जाएंगे। नई सब तहसील में 6 पटवार सर्कल शावा, कलहणी, कलीपर, शिल्ली बागी, शिवा खड और जनशिला होंगे। कैबिनेट ने जनशिला में पटवार सर्किल खोलने को मंजूरी दी है। पंचायती राज विभाग में 10 पद क्लास 4 के भरने को मंजूरी दी गई है। प्रदेश सरकार ने लोगों की सुविधा के दृष्टिगत 5 सितंबर 2020 से राज्य में 3 रूटों पर रात्रि बसों के संचालन का निर्णय लिया है। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने बताया कि चंबा शिमला चंबा रूट पर हर रोज बस का संचालन शाम 5 बजे चंबा से और शाम 6:30 बजे शिमला से किया जाएगा। मनाली शिमला मनाली रूट पर बस का संचालन शाम 7 बजे मनाली से और शाम 8 बजे शिमला से किया जाएगा। धर्मशाला शिमला धर्मशाला रूट पर बस का संचालन शाम 9:30 बजे धर्मशाला से और शाम 9:30 बजे ही शिमला से किया जाएगा। बिक्रम सिंह ने कहा कि विभिन्न कार्यों के दृष्टिगत प्रदेश के विभिन्न भागों से लोगों का राजधानी शिमला में आवागमन होता है। निगम के क्षेत्रीय और उपमंडलीय प्रबंधकों को कर्मचारियों के लिए हैंड सैनिटाइजर,
मास्क, ग्लव्स और फेस शील्ड नियमित रूप से उपलब्ध करवाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल में अब तक कोरोना के 90 मामले सामने आए हैं। इसमें से चंबा में 33, सिरमौर में 32, मंडी में 12, कांगड़ा में 4, कुल्लू, शिमला व सोलन में 3-3 मामले आए हैं। वहीं आज 40 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। इसमें सिरमौर में 14, कांगड़ा में 8, मंडी व शिमला में 7-7, कुल्लू में 3 व चंबा में 1 ठीक हुआ है। कुल आंकड़ा 6705 पहुँच गया है। अभी 1757 एक्टिव केस हैं। अब तक 4858 लोग ठीक हो चुके हैं। सिरमौर जिला में आज एक कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ा है। हिमाचल में आज अब तक 2016 कोरोना सैंपल जांच को आए हैं। इसमें 460 ही नेगेटिव रहे हैं। 1519 की रिपोर्ट का इंतजार है। 8 के सैंपल में 37 ही पॉजिटिव मामले हैं। बाकी पॉजिटिव मामले पेंडिंग सैंपल से हैं। पिछले कल 328 सैंपल की रिपोर्ट भी आनी बाकी है। प्रदेश में अब तक 223,320 कोरोना सैंपल जांच के लिए जा चुके हैं। इसमें 214,768 नेगेटिव रहे हैं। 6,705 ही पॉजिटिव आए हैं। 1,847 सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी है। एक्टिव मामलों में कोई भी गंभीर या वेंटिलेटर पर नहीं है। हिमाचल लोक सेवा आयोग ने विभिन्न पदों के कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट का शेड्यूल जारी किया है। एचआरटीसी में अनुबंध आधार पर भरे जाने वाले रीजनल मैनेजर के पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट 18 को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक होगा। अभ्यर्थी को 12 बजे परीक्षा केंद्र में रिपोर्टिंग करनी होगी। आयुर्वेद विभाग में भरे जाने वाले होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर का स्क्रीनिंग टेस्ट 19 सितंबर को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक होगा। रिपोर्टिंग टाइम 12 बजे ही रहेगा। ये पद अनुबंध आधार पर भरे जाने हैं। एचआरटीसी में अनुबंध आधार पर भरे जाने वाले मैनेजर टेक्निकल के पदों के लिए 20 सितंबर को स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। ये स्क्रीनिंग टेस्ट भी दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक होगा और रिपोर्टिंग टाइम 12 बजे होगा। आयोग के सचिव आशुतोष गर्ग ने बताया कि एडमिट कार्ड व निर्देश जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सत्र 2020-22 डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सीईटी 2020 की जनरल स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स, एसटी स्पोर्ट्स व ओबीसी स्पोर्ट्स कैटेगरी की काउंसलिंग स्थगित कर दी है। काउंसलिंग 7-8-9 सितंबर को बोर्ड मुख्यालय धर्मशाला में सुबह 10 बजे से 5 बजे तक आयोजित की जानी है। इसमें कुल 162 अभ्यर्थी पात्र पाए गए हैं। काउंसलिंग प्रक्रिया सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना के साथ आयोजित होनी है। शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि काउंसलिंग को प्रशासनिक कारणों से आगामी आदेशों तक स्थगित किया जाता है। जिसके संबंध में अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 01892-242192 पर संपर्क कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर रेलवे एक एग्जाम स्पेशल ट्रेन चलाएगा। ये एग्जाम स्पेशल ट्रेन सोलन और शिमला के बीच चलेगी। ट्रेन एनडीए और नौसेना अकादमी की रविवार को होने वाली परीक्षा के चलते चलाई जा रही है। बता दें कि इन परीक्षाओं के राजधानी शिमला में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसके चलते परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को किसी तरह की परेशानी ना हो और उनके अनुरक्षकों की सुविधा के लिए कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अनुरूप इस ट्रेन का संचालन किया जाएगा।
ये एग्जाम स्पेशल ट्रेन 6 सितंबर रविवार को सोलन से सुबह 4:30 बजे चलेगी और शिमला सुबह 7:10 पर पहुंचेगी। परीक्षा खत्म होने के बाद शाम 6:30 बजे स्पेशल ट्रेन शिमला से वापस सोलन के लिए रवाना होगी, जो रात 9:10 पर सोलन पहुंचेगी। रेलवे स्टेशन शिमला के स्टेशन अधीक्षक प्रिंस सेठी के अनुसार एग्जाम स्पेशल ट्रेन के संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बंगाणा के तहत जोल के गांव भरमाड़ में जमीनी विवाद को लेकर दो परिवारों में झगड़ा हो गया। मामले में एक पक्ष ने दूसरे पर तेज धार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति लहूलुहान हो गया। पिता को बचाते हुए पुत्र को भी चोटें आई हैं। जोल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। उपमंडल बंगाणा की जोल पंचायत के गांव बरमाड़ भलौण में योगराज व दर्शन का पिछले काफी समय से जमीनी विवाद चल रहा था। दोनों की एक दूसरे से बातचीत बंद थी। आज दर्शन की जमीन से योगराज ट्रैक्टर लेकर जाने लगा। इसी बीच दोनों परिवारों में बहस ने गाली गलौज का रूप ले लिया। तैश में आकर योगराज ने तेज धार हथियार से दर्शन कुमार पर वार कर दिया। पुलिस चौकी प्रभारी सुरजीत सिंह ने बताया कि घायल हालत में दर्शन का बंगाणा अस्पताल में मेडिकल भी कराया गया है। शिकायत दर्ज कर ली गई है। मुकेश कुमार को मामूली चोटें आई हैं। जिला ऊना के गगरेट में आबकारी एवं कराधान विभाग की टीम ने एक व्यक्ति को बिना पक्के बिल के सोने के आभूषणों के साथ पकड़ा है। विभाग ने व्यक्ति पर कार्रवाई करते हुए उसे 40,080 रुपए का जुर्माना लगाया है। बताया जा रहा है कि व्यक्ति होशियारपुर गगरेट मुख्य मार्ग पर होशियारपुर पंजाब की ओर से हिमाचल नंबर की एक कार में आ रहा था। टीम ने शक के आधार पर उसे रोका और पूछताछ व चेकिंग की। इस दौरान कार चालक के पास से कार में रखे सोने के आभूषण मिले, जिनके संबंध में कार चालक पक्के एवं जरूरी कागजात पेश नहीं कर पाया। सोने के आभूषणों का वजन किया गया तो वह 1.60 ग्राम निकला। राज्य कर एवं आबकारी डिप्टी कमिश्नर कंवर शाहदेव कटोच ने मामले की पुष्टि की है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।